नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है संदीप गुसाई। इस वीडियो को बच्चे भी देख रहे हैं तो उनको प्यार, इस वीडियो को बुजुर्ग लोग भी देख रहे हैं तो उनको प्रणाम, और इसको हम उम्र भी देख रहे हैं हमारे साथ के तो उन्हें हेलो। उत्तराखंड की गढ़वाल क्षेत्र की, उत्तराखंड में दो कमिश्नरेट हैं, यानी एक कुमाऊं कमिश्नरी और एक है गढ़वाल कमिश्नरी, दो संभाग एक तरीके आप कह सकते हैं। एक में 7 जिले हैं यानी गढ़वाल मंडल में, और कुमाऊं मंडल में है 6 जिले। तो जो गढ़वाल मंडल की 7 जिलों की अर्थव्यवस्था यानी जो उसकी पूरी इकोनॉमी की रीढ़ है, लाइफलाइन है साल में, वो है चार धाम यात्रा। तो चार धाम यात्रा के कपाट उद्घाटन की तिथियों का लगभग जो है ऐलान हो चुका है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे, केवल बस समय का ऐलान होना बाकी है कि गंगोत्री के किस समय खुलेंगे 22 अप्रैल को और यमुनोत्री के किस समय खुलेंगे। इसी तरीके से जो केदारनाथ धाम है, महाशिवरात्रि का दिन पावन पर्व है आज, तो ओमकारेश्वर जो पंचगद्दी स्थल है, ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ, वहाँ पर वैदिक मंत्रों के 4-7 जो परंपरा है, जो हका कूकदारी हैं गुप्त का ऊखी मठ के आसपास के तमाम गांव के, और वेद पाठी हैं, आचार्य हैं, तीर्थ जो पुरोहित हैं उनकी उपस्थिति में, और जो रावल हैं भीमा शंकर लिंग उनके प्रतिनिधि के अवसर पर उनके मौजूदगी में, तमाम जो प्रशासन है उनकी मौजूदगी में 25 अप्रैल को तिथि निर्धारित की गई है 6:20 पर। भू वैकुंठ धाम यानी जो बद्री विशाल है उनके कपाट पहले ही निर्धारित हो चुके हैं बसंत पंचमी के दिन। तो यानी चारों धामों के कपाट उद्घाटन समारोह जो हैं वो अब धीरे धीरे उनकी तैयारियां शुरू हो गई हैं प्रशासन की। और गढ़वाल के टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली ये जो, और हरिद्वार, ये जो 6 जिले हैं लगभग, इनकी पूरी जो इकोनॉमी है 6 महीने में वो इसी चार धाम यात्रा पर टिकी रहती है। उसके अलावा भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, मसूरी आते हैं विंटर के बाद जब ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होते हैं बच्चों के, तो 15 मार्च से लगभग ये सीजन शुरू होता है। और इस बार उत्तराखंड में जो विंटर सीजन है वो अच्छा नहीं गया, तो उम्मीद कर रहे हैं सभी व्यापारी, स्थानीय लोग, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, इस बार चार धाम यात्रा अच्छी जाएगी। अगर बारिश नहीं होती है आने वाले दिनों में तो गर्मी भी भीषण होगी, चाहे वो मैदानी इलाके हैं या फिर उत्तराखंड की जो घाटियां हैं खास तौर पे उनमें भी। तो अगर आप लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर ली हैं तो आप टिकट बुक कर लीजिए, चाहे एरोप्लेन से आप देहरादून तक आ रहे हों उसके बाद, या फिर ट्रेन से आ रहे हों, या फिर गाड़ियों से, जिस तरीके से भी आप आ रहे हैं, तो अब आप अपना जो प्लान है चार धाम यात्रा का उसको तय कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, 22 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं, और 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर भू वैकुंठ धाम यानी बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। चारों धामों में सबसे मुश्किल यात्रा मानी जाती है श्री केदारनाथ धाम की, जो सोनप्रयाग से करीब 21 किलोमीटर की पैदल दूरी है, और अगर आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाते हैं तो गौरीकुंड से करीब 16 किलोमीटर की है, और रामबाड़ा से असली मुश्किल शुरू होती है, करीब 10 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, सांस फूलती है। तो इसीलिए जो यात्री हैं देश और दुनिया के, वो सबसे ज़्यादा क्वेरी भी केदारनाथ धाम को लेकर करते हैं। पिछले साल हमने केदारनाथ धाम की यात्रा कपाट उद्घाटन, जब डोली ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ से बाहर निकली थी, तब से लेकर और उसके बाद केदारनाथ धाम तक पूरी यात्रा जो है वो पैदल डोली के साथ की थी। इस बार 21 अप्रैल को यात्रा शुरू होगी ऊखी मठ से, तो आप भी इसकी यात्रा में शामिल होने चाहें तो ज़रूर जाइएगा, बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि इस यात्रा में आप शामिल होते हैं। 21 अप्रैल को ऊखी मठ से गुप्तकाशी जो करीब 10 किलोमीटर है, और उसके बाद ऊखी मठ से फाटा अगले दिन यानी 22 अप्रैल को, 23 अप्रैल को फाटा से जो गौरीकुंड है वहाँ, और फिर 24 अप्रैल को गौरीकुंड से केदारनाथ धाम। तो ये लगभग 5-6 दिन की यात्रा है, और पिछले साल हमने देखा था, वो तमाम जो वीडियो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं
डिटेल दूंगा और आप डिस्क्रिप्शन जरूर कीजिएगा चार धाम यात्रा को लेकर, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ और बद्री विशाल के। इन तमाम यात्राओं से जुड़े हुए कुछ नंबर होंगे, कुछ हमारे दोस्त हैं जो इन इलाकों की बारीक जानकारियां, चाहे वेदर हो, चाहे बुकिंग हो, चाहे फिर और भी ज़्यादा जानकारियां हैं, वो आपको दे देंगे। आप उन लोगों से संपर्क जरूर करिएगा। तो इस बार अगर आप चारधाम यात्रा के साथ साथ पैदल बद्री जो केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो 21 अप्रैल को उखी मठ से बाबा जो श्री केदारनाथ धाम की चल विग्रह पंचमुखी, पंच मुंह है उसके, उस जो छोटी सी मूर्ति होती है पंचमुखी इसीलिए उसको बोलते हैं, और जब आपने देखा होगा डोली में वो रखी रहती है तो चारों तरफ से उसके शॉर्ट्स और वीडियो बनते हैं, तो आप 21 अप्रैल को उस यात्रा को उखी मठ से कर सकते हैं। चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई जो सबसे बारीक जानकारियां हैं वो आपको रूरल टेल्स पे ही मिलेंगी। पिछले साल हमने करीब 2 महीने तक जो केदारनाथ धाम है वहां पर स्टे किया था और सारी बारीक जानकारियां थी, तो वो सारे जो लिंक हैं स्टोरी के अगर आप लोग यात्रा शुरू करने से पहले उनको देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एक तो उसमें वेदर की जो स्थितियाँ हैं कैसे रहती हैं, चढ़ाई कितनी मुश्किल है, गौरीकुंड से गुप्त काशी से आगे जब आप जाते हैं तो रोड की स्थितियाँ कैसी हैं, कमोबेश अभी भी जो केदारनाथ हाईवे है उसकी स्थिति एक वैसी ही है। बद्रीनाथ की यात्रा इस बार थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होगी क्योंकि यात्रा को कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी, क्योंकि बद्रीनाथ धाम जाने का एकमात्र हाईवे है वो है जो जोशीमठ से ही होकर गुजरता है, और जोशीमठ की स्थितियां आप सभी जानते हैं कि वहां पर घरों में दरारें आई हैं, तो वो स्थितियां इस बार थोड़ा सा प्रशासन कंट्रोल करेगा। यात्रा की तैयारियां प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई हैं। हेली की टिकटों में थोड़ा सा इस बार इजाफा ज़रूर होगा क्योंकि हेली का किराया पिछले साल जब हमने देखा था पिछले साल कुछ बढ़ा था, तो इस साल भी उसके पिछले साल नहीं बढ़ा था, पिछले 3 सालों से इस बार उसको बढ़ने की उम्मीदें हैं। अगर सबसे ज़्यादा क्वेरी हमारे पास आती है कि हम भीड़ जो श्रद्धालुओं की आ रही है उससे बचने के लिए कब आएँ, यानी भीड़ जो है श्रद्धालुओं की कब कम रहती है, तो अगर आप यात्रा का जो अलौकिक आनंद है, जो भक्ति और आस्था दिखती है ओपनिंग में दिखती है ख़ास तौर पे चारों धामों की, और अधिकतर लोग कोशिश करते हैं कि केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के ओपनिंग में वो शामिल हो सकें, तो जो लोग बद्री केदार की यात्रा में ओपनिंग के दिन यानी 25 अप्रैल को और 27 अप्रैल को शामिल होना चाहते हैं तो वो शामिल हो सकते हैं उस दिन, क्योंकि ओपनिंग के दिन पूरा मंदिर जो है वो फूलों से सजा रहता है, चाहे बद्री विशाल हो चाहे केदारनाथ धाम हो। ऐसे ही गंगोत्री और यमुनोत्री है। अब चूंकि कई सालों से गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट एक ही दिन खुलते हैं तो दोनों जगह शामिल होना बहुत मुश्किल होता है, तो इस बार अगर आप यात्रा का प्लानिंग कर रहे हैं यात्रा में शामिल होने की तो आप 22 अप्रैल को गंगोत्री या यमुनोत्री के दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद फिर सीधे 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। 26 अप्रैल को वापस आप जब नीचे उतरेंगे और 27 अप्रैल तक आप बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे तो कपाट उस दिन खुल रहे हैं, तो यानी अगर आप चारों धामों के कपाट उद्घाटन समारोह में शामिल होना चाहते हैं तो यमुनोत्री या गंगोत्री में से एक को छोड़ के बाकी तीनों जो धाम है उसमें आप ओपनिंग के दिन पहुंच सकते हैं।